तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक घने भयानक जंगल में एक चुड़ैल सभी को मार रही होती है और यहाँ पर दो बहनें छुपी होती हैं कि तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है और बड़ी बहन को उठाकर ले जाती है और उसको मार देती है और छोटी बहन ये देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर तभी उसका पैर वहाँ पर फिसल जाता है और जैसे ही चुड़ैल उसको मारने वाली होती है वहाँ पर एक आदमी आ जाता है अपनी ढाल लेकर और वो चुड़ैल दूर फेंक जाती है। दरअसल ये आदमी राक्षसों का शिकारी है और इनके पास काफी ताकत है और इनको ताकत देता है इनका एक ग्लव्स जो कि एक दिव्य पत्थर से बना है और इसका नाम होता है तैनशी। तैनशी के दो भाई और भी हैं, बीच वाले का नाम है चैन और सबसे छोटे भाई का नाम है फियोन और तीनों के पास अलग अलग हथियार चलाने की काबिलियत है और इनको देखकर चुड़ैल भागने लगती है और ये लोग चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं और ये छोटी लड़की उस लड़ाई से दूर भागने लगती है और तभी तैनशी एक जगह पर उस चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट देता है और इस लड़की को एक काफी बड़े राक्षस की आवाज आती है और इस राक्षस को मारने के लिए और भी शिकारी होते हैं और ये आदमी होता है इन सभी शिकारियों का गुरु जिसके पास एक ताकतवर गोला होता है। ये सभी लोग मिलकर उस राक्षस को मारने की कोशिश करते हैं पर ये राक्षस काफी ताकतवर था और इसको मारना आसान नहीं था और ये बड़ा राक्षस इन शिकारियों को मार रहा होता है और तभी वहाँ पर ये तीनों भाई भी आ जाते हैं और उस राक्षस को मारने की कोशिश करते हैं और ये राक्षस आग का गोला बनाता है कि तभी तैनशी आकर उसके गले पर वार करता है और उसका गोला वहाँ पर फेंकता है जहाँ पर वो लड़की थी और तैनशी उस लड़की को नहीं बचा पाता और तभी गुरु इस राक्षस पर अपने गोले से काफी ताकतवर हमला करते हैं पर ये राक्षस गुरु को अपने पैरों के नीचे दबा देता है और तभी ये सारे शिकारी एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपनी ताकत को इकट्ठा करके अपनी बलि देते हुए इस राक्षस पर आखिरी वार करते हैं। दरअसल इस वार के बाद ये लोग मर जाएंगे पर उस राक्षस को काफी नुकसान पहुंचेगा और एक एक करके ये सभी लोग अपनी कुर्बानी देने लगते हैं और जैसे ही तैनशी अपनी कुर्बानी देने लगता है उस राक्षस के अंदर से एक और मुंडी निकलती है और यही थी इस राक्षस की कमजोरी और तैनशी उसकी मुंडी को काट देता है और ये राक्षस वहाँ पर मर जाता है और तभी वहाँ पर मास्टर भी उड़ जाते हैं। दरअसल ये राक्षस इस धरती का आखिरी राक्षस था जिसको इन सभी शिकारियों ने मिलकर मार दिया और अब ये लोग चैन की सांस लेते हैं। पर इन शिकारियों के इस बलिदान के लिए लोग इनको प्यार नहीं करते बल्कि इनसे नफरत करते हैं। उनको लगता है कि जैसे राक्षस खतरनाक थे ये लोग भी खतरनाक हैं और ये सभी शिकारी अपनी पहचान छुपाकर अब आम जिंदगी जीने लगते हैं और ये तीनों भाई यहाँ पर मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाते और निराश होकर घर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ दूरी पर दो और मछुआरे होते हैं जिनके पास एक आदमी आता है एक खास तरह की शराब लेकर और तभी उन शिकारियों के पास ये तीनों भाई पहुँचते हैं और वो क्या देखते हैं कि ये मछुआरे एक मछली के रूप में राक्षस बन चुके हैं और जो इनके लिए शराब लाया था उसी को खा रहे होते हैं और ये दोनों राक्षस अब इन तीनों पर भी हमला कर देते हैं पर ये तीनों बहुत महारथी शिकारी हैं और वो इन दोनों को मार देते हैं और अपने घर लौट जाते हैं और तभी इनके घर में इनको एक आदमी बेहोश मिलता है जिसका इलाज कराने के लिए ये लोग इस आदमी को चिकित्सालय में ले जाते हैं। दरअसल ये आदमी भी राक्षसों को मारने वाला शिकारी होता है और अब ये लोग चिकित्सालय आते हैं जहाँ पर दो लड़कियाँ होती है। ये लड़की इसका नाम होता है लैला। ये वही लड़की होती है जिसको बहुत पहले तैनशी ने बचाया था पर तैनशी उसको नहीं पहचान पाता पर ये लड़की तैनशी को पहचान लेती है और दूसरी लड़की फियोन की गर्लफ्रेंड होती है और लैला के साथ साथ फियोन की गर्लफ्रेंड भी वो दिव्य पत्थर देख लेती है और अब फियोन की गर्लफ्रेंड उसके साथ टाइम बिताती है और तैनशी और चैन बाहर होते हैं और तभी लैला उस घायल आदमी को होश में लाने के लिए एक जादुई हवा फूंकती है और वो आदमी होश में आ जाता है और वो तैनशी को बताता है कि यहाँ पर पास के शराब के ठेके पर राक्षस का खून मिलाकर शराब बनाई जा रही है जिसको पीने के बाद इंसान एक राक्षस बन जाता है और जब मैं वहाँ पर गया तो मुझ पर उन राक्षस ने हमला कर दिया और अब तुमको पता करना पड़ेगा कि इन सभी के पीछे कौन है। और ये लोग उस ठेके पर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी उसी शराब को अपने आदमियों को पिलाता है और आखिर में खुद पी लेता है और ये सभी लोग अब राक्षस बन जाते हैं और इसी बीच पर वहाँ पर एक भयानक सी चुड़ैल आ जाती है और ये सभी लोग अब अलग अलग हो जाते हैं। तैनशी और लैला एक साथ होते हैं कि तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है और तैनशी को पकड़ लेती है और ये चुड़ैल जैसे ही तैनशी को मारने वाली होती है लैला का रूप बदलने लगता है और वो भी एक राक्षस में बदल जाती है और उस चुड़ैल को दूर फेंक देती है और बाहर चैन उस चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी काट देता है और अब तैनशी
लैला को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम तो एक राक्षस हो। तब लैला बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसको तुमने एक चुड़ैल से बचाया था। उस राक्षस की लड़ाई के बीच में मेरे ऊपर आपका गोला गिरा था और मैं वहाँ पर काफी घायल हो चुकी थी, और उस राक्षस के मरने के बाद वहाँ के तालाब में उस राक्षस का खून मिल गया और वो खून वाला पानी मेरे अंदर चला गया और मैं ठीक हो गई। पर मेरे अंदर राक्षस वाली ताकत आ गई और अब तैंशी डिसाइड करता है कि वो लैला का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। और जैसे ये लोग बाहर जाते हैं, उस राज्य के सिपाही इनको पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं, और राजा यहाँ पर उनको शाबाशी नहीं देता बल्कि उन पर गुस्सा होता है कि मेरे राज्य में शिकारियों का आना मना है और अब तुम लोग इस राज्य में नहीं रहोगे। पर तैंशी उस राज्य से बाहर नहीं जाता क्योंकि तैंशी को पता लगाना था कि आखिर इंसानों को राक्षस कौन बना रहा। और तभी वहाँ पर फियोन की गर्लफ्रेंड आती है और उस पर गुस्सा होती है और उसको छोड़कर चली जाती है, और इसका रीजन हमको मालूम नहीं चलता। और हमको ये मालूम चलेगा आगे लैला तैंशी को पसंद करती थी और अब तैंशी को भी ऐसा महसूस होता है। तभी हमको वो राजा दिखाया जाता है जो किसी आदमी से अपनी बीमारी का इलाज मांगता है। दरअसल राजा को एक बीमारी होती है और उसका इलाज इस आदमी को ही मालूम था, और इसी आदमी के कहने पर अपने राज्य से शिकारियों को भगाता है। पर इस राजा का एक और सीक्रेट होता है। ये राजा अपने राज्य की लड़की को एक गड्ढे में डाल देता है। दरअसल ये राजा एक काफी खतरनाक राक्षस को पाल रहा था और वो उसको काफी लोगों की बलि भी दे चुका था। और अगले सीन में हमको इस राजा का सिपाही दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के पास आया होता है, और जैसे ही हमको उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि फियोन की गर्लफ्रेंड थी जिसका चक्कर पहले से ही इस राजा के सिपाही के साथ चल रहा था फियोन से पहले। और ये राजा का सिपाही उन तीनों भाइयों को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर तैंशी को अपने घर में एक चोर लड़का दिखता है। वो उसको पकड़ के पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या चुरा रहे, कि तभी वो उसका लॉकेट देखता है। ये लॉकेट दरअसल राजाओं के घर में पाया जाता है। वो कहता है कि तुमने राजा के घर में चोरी करी तो क्या तुमने कुछ देखा। तब ये लड़का बताता है कि जब मैं वहाँ पर चोरी कर रहा था तभी मैंने राजा को एक लड़की को ले जाते हुए देखा। उस राजा ने उस लड़की को एक गड्ढे में डाल दिया और उस गड्ढे से काफी भयानक आवाज आ रही थी। और अब तैंशी डिसाइड करता है राजा के महल में जाने का, और उसका भाई फियोन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने जाता है। अब तैंशी जैसे ही राजा के महल में पहुंचता है वो राजा के कमरे में देखता है कि वहां पर एक जादुई गोला है और ये गोला उसके गुरु के पास था। दरअसल वो अनजान आदमी इन सभी शिकारियों का गुरु था, और उसी के कहने पर राजा सभी शिकारियों को इस राज्य से बाहर कर रहा है। और यहाँ पर फियोन की गर्लफ्रेंड काफी अलग से कपड़े पहनकर फियोन के काफी करीब आने लगती है, और जैसे ही फियोन उसको छूने की कोशिश करता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी लोगों से कहती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, और ये सभी लोग उसको काफी बुरा भला बोलते हैं। और फियोन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फियोन दुखी होकर एक खंजर लेकर अपने अंदर घोप लेता है, और ये लड़की उस खंजर को और अंदर ढकेल देती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैन आता है और वो देखता है कि फियोन को वहाँ पर लोगों ने फांसी पर लटका दिया, और वो दौड़ लगाकर फियोन की तरफ बढ़ता है। पर उसके आसपास सभी सिपाही तीर लेकर उसको मारने के लिए तैयार थे, और जैसे ही वो वहाँ पर आता है सभी लोग अपने तीर छोड़ देते हैं और इन तीरों से चैन भी घायल हो जाता है। और तभी वहाँ पर राजा आता है और चैन को चढ़ाता है, और तभी उस राजा के पीछे से वो राक्षस आता है और चैन के अंदर घुस जाता है। और तभी वहाँ पर तैंशी आता है, और तैंशी इनको देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। तभी वो देखता है कि चैना भी जिंदा है, और वो इन दोनों को लेकर लैला के पास आता है। अब फियोन तो मर जाता है। लैला तैंशी से कहती है कि मैं चैन को नहीं बचा सकती, और तैंशी को मालूम था कि अब उसके भाई को कौन बचा सकता है, और वो थे उसके गुरु। और वो तैंशी को लेकर अपने गुरु के पास जाता है। वो गुरु से कहता है कि मुझको मालूम है कि आप भी राजा के साथ शामिल हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई को बचा लो। और गुरु तैंशी पर एक हमला करते हैं और उसे कहते हैं कि शिकारियों को यहाँ से बाहर निकालो, और जो भी घटना तुम्हारे भाइयों के साथ हुई उसके बारे में भी मुझको मालूम था। और ये बात सुनकर तैंशी काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार लेकर गुरु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर गुरु तलवार छोड़ देते हैं और तैंशी की तलवार गुरु के आर पार निकल जाती है। और तब गुरु बताते हैं कि राक्षसों के विनाश के बाद शिकारियों का भी कोई काम नहीं, क्योंकि इस जादुई पत्थर की वजह से आने वाले समय में काफी लड़ाइयां हो सकती हैं, क्योंकि ये दिव्य पत्थर काफी ज्यादा ताकतवर है और इसका विनाश शिकारियों के विनाश के साथ ही होगा। और गुरु तैंशी को अपना जादुई गोला दे देते हैं, और दूसरी तरफ चैन की बॉडी को वो राक्षस कंट्रोल कर लेता है। और अब कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अब हमको वही राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर सिपाही देखते हैं कि एक काफी बड़ा राक्षस उनकी तरफ आ रहा।
और ये राक्षस कोई और नहीं चैन था, क्योंकि चैन की बॉडी इस राक्षस के साथ जुड़ गई थी। और यहाँ पर सिपाही फियोन की गर्लफ्रेंड के साथ होता है। दरअसल फियोन की गर्लफ्रेंड ने जो भी किया इसके ही कहने पर किया। इस सिपाही ने बताया था कि बचपन में उसके माँ बाप को इन शिकारियों ने ही मारा था, और वो शिकारी एक खास तरह का मास्क पहना था। पर तभी इस लड़की को मालूम चलता है कि वो मास्क पहना आदमी यही सिपाही था। पर तभी सिपाही इस लड़की को मार देता है, पर ये लड़की बाद में इस सिपाही को भी मार देती है। और अब शहर में रहने वाले शिकारी अपनी पहचान सबके सामने लाते हैं और इस राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर तेंशी आता है और उस राक्षस पर हमला करने लगता है, पर तभी वो राक्षस तेंशी को नीचे गिरा देता है और तेंशी हो जाता है घायल। और तभी लैला उसके पास आती है, और अब लैला डिसाइड करती है कि वो अपने आप को मिटाकर अपनी पूरी ताकत तेंशी को दे देगी, क्योंकि पहले तेंशी ने ही उसकी जान बचाई थी। और वो ऐसा करने के बाद वहाँ पर धूल बनकर उड़ जाती है। और यहाँ पर दूसरे शिकारी अपनी जान की कुर्बानी देकर इस राक्षस को घायल करने लगते हैं। और तभी तेंशी उठकर उस जादुई गोले की मदद से इस राक्षस की पीठ पर एक वार करता है और ये राक्षस नीचे गिर जाता है। पर चैन उसकी बॉडी से जुड़ चुका था और वो अब बच नहीं सकता था। चैन तेंशी से कहता है कि तुम मुझको मार दो, और तेंशी काफी दुखी होता है। पर आखिर में तेंशी उसको मार देता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और चैन को मारने के बाद अब वो अपने पुराने दिन को याद करता है जो उसने अपने भाइयों के साथ बिताए थे। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मूवी से रिलेटेड और जानकारी के लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। और अगर आपको ऐसी मूवी देखना पसंद है तो आप इन दोनों मूवी को भी देख सकते हो।